विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोहारू के बाद फरीदाबाद के हुडा ग्राउंड में भी चुनावी रैली संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के चलते केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल ने रैली स्थल का मुआयना किया और तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि फरीदाबाद में कभी पीएम आते हैं, कभी एचएम आते हैं और एक से एक बड़ी रैली उनकी होती है। और इस बार वो फरीदाबाद के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आए, तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। और एक ऐतिहासिक रैली, इससे पहले भी फरीदाबाद की धरती पर पीएम हो, एचएम हो, सीएम हो, सबकी ऐतिहासिक रैली हुई है और ये भी ऐतिहासिक रैली होगी, जो जन आशीर्वाद के रूप में जिसको हमने नाम दिया है, तो इसमें उसकी तैयारियां चल रही हैं। तमाम कार्यकर्ता फील्ड में जुटे हुए हैं। कल रैली की तैयारियों में भव्य रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। हम वो जाते हैं चुनाव को दिशा बदलने का, हवा देने का काम करते हैं, चुनाव को उठाने का काम करते हैं, तो लोग उनकी भाषण का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उनका यहाँ पर वेलकम हमारे लोग इतनी गैदरिंग कर रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में, इसका तो पता नहीं है। देखना लोग किस तरीके से गाजे बाजे के साथ आएंगे और इस रैली को सफल बनाने, किस तरीके से देख रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है और यहाँ भी कांग्रेस, अरे कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ और पाखंड का नाम कांग्रेस है, लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। जैसे कहा ना, दलितों का संविधान बदल देंगे और संविधान के अंदर चेंज करके दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे और हमारी महिलाओं को 8500 रुपए हर महीने देने का काम करेंगे। ऐसे ऐसे झूठे वादे, जिनका कोई संगठन नहीं, जिनका कोई नेता नहीं कि हरियाणा के अंदर किसके फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कोई कांग्रेस का ये झूठ की हांडी जो है बार बार चढ़ने वाली। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता एडी से चोटी तक का जोर इस विधानसभा चुनाव को जीतने को लेकर लगाते हुए नजर आ रहे। जहां एक तरफ भाजपा के तमाम प्रत्याशी और नेता अपनी अपनी विधानसभाओं में चुनाव जीतने को लेकर लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, पब्लिक को भाजपा की रीति नीति से जो है वो अवगत कराते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब भाजपा के बड़े बड़े नेता भी जो है अब मैदान में उतर चुके हैं। बीते जो है वो आने वाले कल जो है वो शाम को 4 बजे जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह वो फरीदाबाद पहुंच रहे हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और यहां पर अगर तैयारियों की बात करें, रैली स्थल का जो अगर जायजा लेने की बात करें, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां जो है वो तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। कल शाम को 4 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और तमाम लोगों को जो है वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 10 साल की जो भाजपा की सरकार की जो रीति नीति है, जो विकास कार्यों की तमाम जो चीजें हैं, उनको कहीं ना कहीं जनता के बीच जो है वो बताते हुए नजर आएंगे। इसके मद्देनजर आप देखिए कि भारी संख्या में जो है वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लिहाज से जो है वो पुलिस बल लगाई गई है। वहीं मानसून का मौसम है तो इस लिहाज से जो है वो वाटर प्रूफ टेंट जो है वो कहीं ना कहीं लगाया गया है, ताकि जिस समय रैली चले उस समय किसी भी प्रकार की दिक्कत का, परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फरीदाबाद जिले के अंदर अगर बात करें तो इस रैली का एक बड़ा इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है, ऐसा लोगों का जो है वो कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश के गृह मंत्री फरीदाबाद की ओल्ड विधानसभा से इस रैली को संबोधित करेंगे, तो इसका जो इफेक्ट है वो पूरी लोकसभा की 6 विधानसभाओं में जो है वो कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी आ रही है कि आने वाले दिनों में जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनका भी जो है वो फरीदाबाद लोकसभा में जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी रैली जो है वो हो सकती है, परंतु उससे पहले अमित शाह जो है वो कल शाम को 4 बजे यहाँ पर आ रहे हैं। इस लिहाज से जो है वो सारे ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करने की कोशिश जो प्रशासन की ओर से की गई है, कहीं जो बाहरी वाहन है उनको भी आज रात को 12 बजे से जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बंद कर दिया गया है, ताकि जब जिस समय अमित शाह पहुंचे यहाँ पर तब किसी प्रकार की जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। वही आपको बता दें, जो लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, गर्मी की बात करें तो उसके लिए बकायदा जो है वो कूलर लगाए गए हैं, लाइट्स की व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं की गई है, पुलिस बल जो है वो कहीं ना कहीं भारी संख्या में लगाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुत सारे रोडों का जो ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट जो है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। और इसमें सिर्फ ओल्ड विधानसभा ही नहीं, बल्कि ओल्ड के साथ साथ तिगांव विधानसभा बात करें, एनआईटी विधानसभा बात करें, भड़कल विधानसभा, बल्लभगढ़ विधानसभा या प्रथला विधानसभा हो, पलवल हो, होडल हो, अफीन हो, इन तमाम विधानसभाओं में एक बड़ा इफेक्ट इस रैली का जो है
वो कहीं ना कहीं पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने जो है वो अटकंडे जो है वो विधानसभा चुनाव में जो है वो जीतने को लेकर इसको जो है वो कहीं ना कहीं अपना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल इस रैली के अंदर ये बताया जा रहा है कि भारी संख्या में जो है वो लोग कहीं ना कहीं पहुंचने वाले हैं और अमित शाह को जो है वो कहीं ना कहीं सुनने वाले हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।